मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा और एक रिटायर्ड सूबेदार की पत्नी के साथ हुई अभद्रता को लेकर आम आदमी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लखनऊ के पत्रकार फोरम चौराहे पर किया गया। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रदर्शन में। देखिए, जैसा कि देश के अंदर माहौल बना हुआ है मणिपुर को लेकर के, हम लोग सब पूर्व सैनिक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध के अंदर एक योद्धा जिसने मां भारती की रक्षा की, वो आज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा। इसका विरोध, इसकी पीड़ा है पूरे पूर्व सैनिकों को। हम इसी प्रोटेस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे, और जब हम लोग बॉर्डर पर रहकर मां भारती की रक्षा कर सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवारों की रक्षा नहीं करता थी देश के अंदर, तो हम चाहते हैं कि यदि आप सत्ता में रह करके सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, जहां टोटल 34,00,000 लोग हैं मणिपुर के अंदर, तो आप हमें दीजिए जिम्मेवारी, पूर्व सैनिक वहां पे बहाल करेंगे सुरक्षा। आम आदमी पार्टी आज काला दिवस मना रही है, वही संजय सिंह काले कपड़े भी पहने हुए जंतर मंतर को प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में आए और वहां पे बयान दे मणिपुर को लेकर के, क्योंकि ये प्रायोजित हिंसा है, जो मैंने भी पता किया अपने फौजी भाइयों से, प्रायोजित हिंसा है। एक एक भाजपाई को, एक एक इंटेलिजेंस को पता है कि वह 2 महीने से मणिपुर में चल क्यों रहा है, लेकिन भाजपा बोलने के लिए तैयार नहीं इस मुद्दे पे। तो उसी को लेकर आदरणीय संजय सिंह संसद में बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, और हम उनका सस्पेंशन वापस करने के लिए भी आज सड़कों पर उतरे हैं कि इस आदरणीय संजय सिंह का जो सस्पेंशन है वो वापस हो। देखो, ये प्रायोजित एक तरह से हिंसा है भारतीय जनता पार्टी की। यदि हम कहते हैं, यदि आप चाहो तो 1 घंटे के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगाइए और वहाँ पूरे सैनिकों को बताइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 घंटे के अंदर वहाँ पे शांति बहाल हो जाएगी मणिपुर के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि शांति वहाँ पे बहाल हो, यह उसका पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। इंसानियत इन लोगों की मर चुकी है। गूंगी सरकार मुर्दाबाद, मणिपुर हो रहा है मोदी क्यों रहे, गूंगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के सम्मान में सैनिक। हम लोग सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि जो हमारे सैनिक बल कारगिल युद्ध के अंदर मां भारती की रक्षा करता है, वही सैनिक अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता। कितने ही कितने बुरे हाल इस देश के अंदर। पूर्व सैनिकों ने मोर्चा कि वो अभी सरकार को जगाने का काम करेंगे, हमने ठान लिया है। यहां से भाजपा जनता मणिपुर हिंसा तथा महिलाओं के साथ की गई अभद्रता को लेकर आम आदमी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ ने आज पत्रकार फोरम चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। अशोक कमांडो ने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा प्रायोजित है, इसको जानबूझ कर करवाया जा रहा है और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे है। राष्ट्रपति को चाहिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके बागडोर अपने हाथों में ले लें, जिससे कि वहां की हिंसा रुक सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।